बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप आपके साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो नेगेटिव नोट पे हुई है। अनलाइकली अगर हम देखें एज कम्पेयर टू लास्ट से लास्ट फिगर हम देखें, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी और इसमें वॉल्यूम भी जो है अच्छा लगा था। 2.8 या 2.9 का समझ लें, 2.9 बिलियन का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वीक मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी वीकली रैपअप की, और उसमें मैंने बोला भी था, वार्निंग साइन भी दी हुई थी थंबनेल में और लिखा भी था एहतियात। वो इस साइन की वजह से मैंने बोला था, क्योंकि ये साइन जो है ये यहाँ पहले भी यहाँ पे ही बन चुका था। ये मेरा वीडियो देख ले पिछली, उसमें मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे बना था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हो गई थी नेक्स्ट बुलिश कैंडल से, और उसके बाद फिर हमने काफी यहाँ से रैली बनते हुए देखी। इसी तरह नेक्स्ट वीक में मैंने बोला था ये साइन हुआ है, इसकी अगर उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती तो ये मार्केट मजीद और अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती थी, लेकिन इसकी बड़ी वजह ये थी कि RSI काफी हाई था। यहाँ पर भी हाई था, 72 पे था, ठीक है 90 तक जाने की गुंजाइश थी, लेकिन यहाँ पर जो है ये 90 तक पहुंच चुका था। 89 अगर हम से लास्ट वीक के देखें तो ये 89.65, 89.23 यही RSI यहाँ पे हो चुका था। तो अब अभी इस वीक में देखें तो इसकी निगेशन हो गई, ठीक है। इस बुलिश कैंडल की निगेशन पहले इस डोजी से हुई फिर ये हो गई, ठीक है। तो थोड़ा अभी भी केयरफुल होके काम करें, क्योंकि देखें काफी वॉल्यूम से जो है मार्केट जो है नीचे आई है। अगर हम देखें तो देखें इंक्रीज यहां से देखें तो 2.9 बिलियन का हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है 3.15 समझ लें बिलियन, फिर इस अभी इस वीक में करंट वीक में 3.43 बिलियन का हमने वॉल्यूम डाउन साइड पे जनरेट होते हुए देखा है। तो दैट मीन्स के यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग, हैवी प्रॉफिट टेकिंग ठीक ठाक। अगर 2 दिन में देखें तो ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिक्रीज हुआ है। अगर हम वीक ऑन वीक की बात करें तो जैसे हमारा टारगेट जो था 9.5 ट्रिलियन का, वो अचीव हो चुका था, और अभी हम देखें तो अगेन ये वापस ड्रॉप होके 8.89 या 8.9 ट्रिलियन रुपीज, अगर हम बिलियन में कैलकुलेट करें तो 8,947 पे आ गया है। इस तरह से हम देखें तो इस वीक में जो है 596 या तकरीबन 600 बिलियन जो है वो निकल चुके हैं मार्केट से, डिक्रीज हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और स्पेशली जो 2 दिन थे शुरू के, जैसे मैंने वीडियो की उसके 2 दिन के अंदर तकरीबन 360-370 बिलियन रुपीज खाली 2 दिन में निकले हैं, मंडे एंड ट्यूजडे। तो अभी भी मेरा मशवरा यही है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करें, अपर साइड पे एग्रेसिव ना हो। भले टारगेट मैं भी देता हूँ, टारगेट कभी अचीव होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन आपने अपना टारगेट बना के अपना प्रॉफिट और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो लेके चलना है। आपका जितना रिवॉर्ड है रिस्क रेशियो इसका जो है तकरीबन 2% है या 3%, जो भी आप अपना सेट करें उसके हिसाब से चलें। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अभी तो मशवरा ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करें, क्योंकि देखिए CPR का लेवल भी लास्ट टाइम पे ऊपर पे था, तकरीबन 63,000 के ऊपर जा रहा था, अब 66,300 पे जा रहा था, अब इसका अपर लेवल जो है ड्रॉप होके 62,400 पे आ गया है। तो पहले से आपको हेल्प जो है CPR के लेवल से मिल जाएगी। CPR का अपर बैंड जो इस वक्त 62,420 पर है, और मिडिल बैंड जो इसको अभी तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है 61,700 का लेवल, मैंने पहले भी सोशल मीडिया में स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था कि 61,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोअर जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोअर जो इस वक्त बैंड है 60,000 पे है। और स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये कि जिस तरह यहाँ पे हमने विक बनते हुए देखी थी, तो यहाँ पे भी हम जो इसका नेक लाइन सपोर्ट है वो ये मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, वो इस वक्त जो बनता हुआ नजर आ रहा है 59,000 के करीब, 59,057, 59,060 ये नेकलाइन सपोर्ट है। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे विक बनना, यहाँ इसके नीचे इस पे क्लोज होना या इसके नीचे क्लोज होना बहुत बड़ी खतरे की निशानी है, क्योंकि सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 60,000 का ही है, या 61,000 समझ लें, यहाँ पे 60,085 आ रहा है, 61,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 61,000 जो है वो नीचे अगर इसके नीचे मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देती है, इंडेक्स नीचे आता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हम इसको ये वाला रिटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं, ये वाला एरिया जो है 57,000। अच्छा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से, मैं छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे
पाक रुपीस की दे दूं। यहाँ पे भी मैंने वीकली चार्ट किया था, और जब से ये बना था तो मैंने टारगेट दिए थे, वो टारगेट अचीव भी हुए हैं। एक ये टारगेट दिया था 287 288 का, ये भी अचीव हुआ। फिर इसके बाद जो है 276 का टारगेट था, ये भी अचीव हुआ। फिर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, सॉरी मैं इसकी USD/2 पाक रुपी बता रहा हूँ, वो मार्केट बार बार मुझसे निकल रहा है। तो यहाँ पे देखें, फिर ये अगेन ये पाक रुपी ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। यहाँ पे फिर देखें, ये वही वाला, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं, यहाँ पे फिर वही डोजी फॉर्म हुआ वीकली पे, फिर इसकी निगेशन मिली और ये फिर अभी दोबारा नीचे होता जा रहा है। हो सकता है कि 263 को भी टच करे। ये मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसा तो देखें उस वक्त तो बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि ये 350 डाला जाएगा डॉलर, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि ये यहाँ से ये नीचे आ सकता है और टारगेट जो है वो यही होंगे। अभी भी ये 263 का जो है, 264 के अराउंड ये एक्सपोज है, ठीक है ना। ये मैं प्राइस सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, देखें ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से इसको भी रिटेस्ट किया और देखें यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, और दो दफा इसको टारगेट भी हिट हुआ, नीचे आया, फिर अगेन ये अब ये जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, 287 या 288 डॉलर का, जो मैं पाक रुपीस अगेंस्ट डॉलर जो है बता रहा हूँ। तो ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखें ये जो डोजी बना था इसके बाद जो है ये इसमें यहाँ पे हमने काफी डाउनसाइड मूवमेंट देखी और अभी हो सकता है ये बेरिश फ्लैग हो, ये वापस नीचे आए। तो इसी तरह हम मार्केट का भी, इंडेक्स का भी यही सिनेरियो, करंट सिनेरियो यही देखने में आ रहा भी फिलहाल वीकली पे, और इसकी कंफर्मेशन भी मिल गई निगेशन की, ठीक है। ये डोजी की बनी थी, वो निगेशन की, निगेशन एक्चुअली हुआ है, इसकी कंफर्मेशन जो है अपसाइड रैली की सूरत में नहीं मिली हमको, डाउन साइड ये यहाँ पे परफॉर्मेंस की सूरत में मिली है कि डाउन साइड परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने आपके साथ हमेशा CPR जो लेवल बताता हूँ तो उसी के हिसाब से अभी देखें ये उसी के रिस्पेक्टिवली मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था 62,400-62,200, अब ये जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, पहले सपोर्ट में था 61,700 इसका लोअर बैंड था, अब ये मिडिल बैंड में आ गया, अब लोअर बैंड जो है वो डिक्रीज होके 61,000 पे आ गया, तकरीबन 60,085 का लेवल है। और नेक लाइन सपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर, ये जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सपेंड करके बता दूं, नेक लाइन सपोर्ट जो है 59,000 के करीब है, 59,057, और फिर इसके बाद अगर इसको ब्रीच करता है इस लेवल को तो 57,700 जो है ये भी रिटेस्ट हो सकता है। ये मैं प्राइस सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम अपर साइड पे जो है लेवल जो है वो हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। अपर साइड का लेवल तो मैं आपको अभी से बता दूं कि ये जो है डोजी या एटलीस्ट ये जो इसकी ओपनिंग थी, ठीक है, ये वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन होना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, जो मैंने टारगेट दिए हुए थे आगे के 84,300 तक, उसको अचीव करने के लिए मैंने ही टारगेट दिया था, देखिए 84,000, लेकिन मैंने कब बताया था, मैंने कहा जब ये 66,000 या 67,000 के ऊपर ये परफॉर्म करेगी मार्केट तो 84,300 भी टारगेट अचीव हो सकता है। तो लेकिन देखिए मैं सिर्फ टेक्निकल बेस पे काम करता हूँ, तो मैं कोई लेवल्स पे मैं बैठ काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि भाई ये 70,000 80,000 1,00,000 अभी से, मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स, मैंने को पहले ही बताया, मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर चढ़े तो अगला लेवल अभी एक्सपोज हो गया, सेकंड, ये मैं आपको टेक्निकली बता सकता हूँ। तो ये लेवल जो है अगर अचीव होते हैं और सस्टेन करते हैं तो अगला लेवल ये होगा। इसी तरह मैं आपको डाउन साइड के लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप छठी मंजिल से, फॉर सपोज आप छठी मंजिल या टॉप फ्लोर पे चले गए हैं, या फॉर सपोज छठी मंजिल पे चले गए, तो फिर ये मंजिल आपकी पांचवी मंजिल, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, अब आप नीचे की साइड पे देखेंगे, अभी आप फिलहाल इसके बाद जो है ना ऊपर साइड पे देखेंगे, अभी आप अप साइड नहीं देखेंगे, 66,500 के बाद ही आप अपर साइड देख सकेंगे, इसके पहले जो है आपने डाउन साइड ही देखना है कि डाउन साइड कहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था ज्यादा एग्रेसिव ना हो, लोग बातें करते हैं, ऐसी बातें स्टॉक के हवाले से मैं भी देखता रहता हूँ, काफी ग्रुप को फॉलो भी करता हूँ और वीडियोस भी देखता हूँ, तो उसमें होता है, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खाली सेफ करना चाह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए चलें, इस वक्त पोजीशन जो है इस वक्त सही नहीं है, इसकी निगेशन मिली है, ठीक है। तो इस निगेशन के भी किसी बुलिश कैंडल के साथ निगेशन होगी, लेकिन या फिर ये यहाँ तक रुक जाए, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा इंडिकेटर जो मेरा है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कि बुलिश कैंडल यहाँ बनती है, तो फिर हम ऐसी बात अपसाइड फिर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम डाउन साइड ही देखेंगे, ठीक है। अब हम
जो दूसरा जो है हम यूज करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची का हम यही लेवल ले लेंगे जो इसकी ओपनिंग है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो है हम इसको डाउन साइड देख रहे हैं, तो हम ये डाउन साइड पे आएंगे, ठीक है। या इसी का ये हम ले लेंगे ये वाला, और ये वाला हम ले लेंगे नेक लाइन इसकी जो है, ठीक है। अभी फिलहाल हम यही लेंगे, ठीक है। जो सपोर्ट ली उसने यहाँ से ये वाले एरिया से वो लेंगे हम, ये एरिया बनता है तकरीबन 61,600 का, ठीक है। ठीक है, इसके हम मैंने आपको बता रहा हूँ, ये इस कैंडल के हम विक नहीं लेंगे, बॉडी लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये जूम इन करके ही बता दूँ, और थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दूँ, एक्सपेंड तो काफ़ी हो गया, थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लेंगे, इसकी बॉडी लेंगे जो क्लोजिंग हुई है इस वीक की, इसी को हम लेंगे, ठीक है। और अगले इसी वीक की जो ओपनिंग थी वो हम लेंगे इसको, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक। अब वहां पर डाउन साइड लेवल जो है वो तो मैंने आपको जैसे बताया 59,000, ये वाला भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। फिबोनाची 58,700, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मैं ये दे देता हूँ, 58,700 ये भी आ सकता है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक लेवल है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, मैं बॉडी के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। और बीच में आपको ये लेवल भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको सीपीआर के हेल्प से बताया। अब आ जाते हैं डेली पे, थोड़ा नजर डाल, इसी को हम डेली पे अप्लाई करेंगे तो आपको पिक्चर जो है क्लियर नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखें, डेली में देखें, यहाँ गया, इस जो मैंने आपको बताई थी ये, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। बल्कि हम थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, ये वाला लेवल एक्चुअली है, ये बॉडी है इसकी 66,700, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि ये यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए आया था कि यहाँ पे देखिए, आपको बता दो तो डेली पे यहाँ बुलिश बनी या डोजी बना, ये इसको रेजिस्ट किया और यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली है। क्लोजिंग देखें, इसके नीचे आई थी, ये क्लोजिंग है इसकी, ये क्लोजिंग नहीं, ओपन हुआ था अगेन, फिर यही ओपनिंग थी, क्लोजिंग है यहाँ पे, मार्केट ओपन हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग आई, ठीक है। इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग आना बहुत जरूरी थी, यहाँ पर भी मैं एक ये रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली लाइन जो है, ठीक, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ और लेवल भी बता देता हूँ, 66,116 या 66,200 समझ लें, एटलीस्ट 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 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ये जो इसकी क्लोजिंग थी इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 66,500 ही रखें, 66,200 से 66,500, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगी हमारी, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट मजीद अपसाइड जा सकती है। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला लेवल, ठीक है, 64,000, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, और ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ये वाली इस कैंडल की जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली कैंडल जो है, ठीक है। तो ये लेवल है 64,700 का, तो एटलीस्ट अगर हम देखें तो एटलीस्ट 64,700 के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फिर हम मजीद अपसाइड दे सकते हैं। डेली पे देखें तो यहाँ पे मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है बिटवीन, अगर हम ये वाला इसका ले लें, 62,800 से लेके, और ये वाला लेवल ले लेते हैं, ठीक है, हम इसकी विक नहीं ले रहे, ठीक है। इसको मैं ये समझे एक अलग कलर दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने ऑरेंज कलर दे दिया है, तो मार्केट इस वक्त 66,690 या यूं समझ ले 66,700 से लेके 62,800। अब यहां से हो सकता है ये साइडवेज रहे, साइडवेज होने के बाद इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है 66,700 के नीचे, क्लोजिंग की बात बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे क्लोजिंग बनती है तो फिर वही सीपीआर की हेल्प से लेंगे हम, तो यहाँ पे हम मजीद डाउन साइड फिर हम देख सकते हैं। डाउन साइड हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो ये वाला लेवल भी 64,000 लेवल, मैं आपको मैं फिर वापस वीकली पे बता दूँ कि हम कौन सा फिर लेवल हम रिटेस वो सब दे सकते हैं, ठीक। एक तो मैंने ये आपको बता दी 59,000 से लेके 58,700, 59,100 से लेके 58,700 तक, ये हम लेवल फिर हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये ब्रीच करता है ये वाला लेवल, तो फिर ये वाला लेवल एक्सपोज हो जाएगा, ये सून और लेटर अकॉर्डिंग टू फिबोनाची बता रहा हूँ,
ठीक है, ये वाला एक लेवल एक्सपोज हो जाएगा, तो ये भी 63,900 या 64,000 समझ लें कि ये लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है इन इन बिटवीन के। यहां से भी कहीं ये सपोर्ट ले सकता है, जो मैंने आपको बताया ये वाले इसकी सपोर्ट जो है इस कैंडल की, तो ये कैंडल जो है हो सकता है 57,600 से लेके 55,000, 57,700 से लेके 55,600, ये मैं वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, ये रिटेस्ट हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये इसको सस्टेन नहीं किया इन लेवल्स को, जो मैंने आपको सीपीआर के लेवल बताए स्पेशली 61,000, ठीक है, ये बल्कि हम ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला लेवल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 59,500, ठीक है, तो यहाँ पे कोई विक बन सकती है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मजीद अपसाइड जा गया, वरना फिर ये मजीद हमने आपको लेवल बताए ये डाउन साइड पे ये मार्केट आ सकती है। तो इसी तरह अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो रोल ओवर वीक चल रहा है, स्टार्ट हो जाएगा मंगल से, पीर को छुट्टी है कायदे की, मंगल से शुरू हो जाएगा रोल ओवर वीक, फिर ईयर एंड मंथ एंड सब एंड है, ठीक है ना, वीकेंड आपके रोल ओवर वीक की वजह से वीकेंड भी शुरू हो जाएगा, ये महीना भी एंड होगा और साल भी एंड हो रहा है, तो थोड़ा बहुत केयरफुल होके काम करें। अपसाइड पे जो भी आपको टारगेट दे रहे हैं किसी भी स्टॉक के, अब अपनी जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख के काम करें और स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।